नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। आपको बता दें कि इस सूर्य का गोचर कर्क राशि में हो गया है, ऐसे में ये गोचर सभी राशियों पर शुभ अशुभ फल डालेगा। 20, 21 और 22 ये तीन दिन कुछ राशियों के लिए बहुत ही खास है। चलिए जानते हैं कौन सी है वो राशियाँ। पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए तीन दिन मिश्रित रूप से फलदायी है। आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, साथ ही आपको लोगों के बीच प्रसिद्धि मिलेगी। इसके साथ ही अगर आप जन प्रतिनिधि हैं तो आपको सफलताएं प्राप्त होगी। इस समय आपको थोड़ी बहुत सफलता और थोड़ी बहुत असफलता मिलेगी। दूसरी राशि है वृष राशि। इस हफ्ते आपका स्वास्थ्य पहले जैसा ही ठीक रहेगा और साथ ही आपके जीवन साथी का भी स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन आपको ऑफिस में कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, तो बेहतर होगा कि आप अपने ऑफिस के गॉसिप पर ध्यान ना दें। इस समय आपका आपके भाई बहन के साथ मतभेद हो सकता है। इसके साथ ही इस समय आपको आपके भाग्य का कम सहयोग मिलेगा। तीसरी राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। इस सप्ताह धन आने का भी योग्य है। व्यापार उत्तम चलेगा। भाग्य से थोड़ी कम मदद मिलेगी। भाई बहनों से भी थोड़ा कम सहयोग मिल पाएगा। संतान से भी सहयोग मिलने की उम्मीद कम है। साथ ही छात्रों के पढ़ाई में बाधा आ सकती है। इस सप्ताह आपके लिए 23 जुलाई फलदायक है। 23 जुलाई को आपके द्वारा किए गए आए अधिकांश कार्य सफल होंगे। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप अपने भाग्य को ठीक करने के लिए शनिवार को दक्षिण मुखी हनुमान जी के सामने बैठकर कम से कम 7 बार हनुमान चालीसा का जाप करें। चौथी राशि है सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य थोड़ा ठीक रहेगा, लेकिन जीवन साथी के स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी आ सकती है। वही जिन जातकों का अभी तक विवाह नहीं हुआ है, उनके विवाह के उत्तम प्रस्ताव आएंगे। इसके साथ ही अगर आप किसी कोर्ट कचहरी की समस्या में जूझ रहे हैं तो आपको ये समस्या बहुत जल्द ही खत्म होने वाली है, क्योंकि इस समय कचहरी के कार्यों में सफलता का योग है। लेकिन इस समय आपका भाग्य आपका साथ बहुत कम देगा और आपको अपना काम करने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास करना होगा। लेकिन आपके सुख में वृद्धि होगी। आप इस समय दुर्घटनाओं से बचने का प्रयास करें। इस सप्ताह आप शनिवार को शनि देव का पूजन करें और काले तिल का दान करें। इसके अलावा प्रतिदिन पीपल के पेड़ के नीचे आटे का दिया जलाकर रखें और पेड़ की 3 से 7 बार परिक्रमा करें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।